और बेन सन की. ओके, तो आई एम नॉट गोइंग अहेड, गिव यू 5 मिनट्स. जब तक सब लोग आते जाएंगे तब तक जो आ गए है 8 मिनट दे रहा हूँ. एक बार रिवाइज कर लो सुबह का साइकिल. फाइन, डायग्राम भी देख लेना और मेरा रिएक्शन भी देख लेना. कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, आइसोमराइजेशन, सिंथेसिस, रिजनरेशन. अचल, ये अचल कैसे नाम? जो लोग सुबह नहीं थे, गॉड ब्लेस यू. आपको कुछ समझ, आपको जो समझ में आने वाला है उसको हम लोग ऐसा कहते हैं. ओके, जस्ट कम बैक ओवर हियर अगेन. मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. फाइन, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय स्टोमाटा. ल्यूज एब्जॉर्ब करते हैं उसको. आपकी लीफ में पहले से आरबीपी नाम का कंपाउंड है जो पाई कार्बन कंपाउंड है. वन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड पाई कार्बन आरबीपी कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को नाम का एंजाइम और बन जाता है एक अनस्टेबल कंपाउंड जो सिक्स कार्बन कंपाउंड है. That is, that six carbon compounds undergoes hydrolysis and breaks down to form two molecules of 3-PGA. Two molecules of 3-PGA. Now what happens with 1-PGA? एक molecule क्या होता है? मेरे पास दो molecules हैं. क्या होता है? 3-PGA combines with ATP and become वो जो ATP का phosphate है, वो PGA पे चिपक जाता है और the first carbon और बन जाता है 1,3-di-PGA. और एटीपी बन जाता है एडीपी. 1,3-di-PGA combines with NADPH2. NADPH2 का जो H2 है वो H2 चला जाएगा PGA के साथ. जब PGA और H2 कंबाइन होते हैं तो PGA रिड्यूस होकर बन जाता है फॉस्फोग्लिसराइल डिहाइड. फॉस्फोग्लिसरेट बिकम्स फॉस्फोग्लिसराइल डिहाइड.
वन और थ्री पे फॉस्फेट था, वो फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकल जाता है, तो व्हाट वी गेट इज 3PGAL प्लस NADP प्लस IP. ऐसे बहुत सारे PGAL बनते हैं, फाइन, और कुछ PGAL कन्वर्ट होते हैं इनटू DHAP. मैं उनको हमेशा पागल और ढाप बुलाता हूं, पागल और ढाप, तीन पागल एक ढाप. कार्बन कंपाउंड है, दोनों मिलकर एक सिक्स कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में दो फॉस्फेट है, उसका वन वाला जो फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट है वो निकल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रुक्टोज अंडरगोज आइसोमराइजेशन एंड बिकम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उसका सिक्स वाला फॉस्फेट भी निकल जाता है और बच जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज. दैट्स हाउ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. रफड़ा ये है कि मेरा RBP मुझे वापस चाहिए, तो आई बेसिकली कार्बन RBP, बट आई वांट माय RBP अगेन. सो करता क्या हूं मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छह बार ये पूरा प्रोसेस करूंगा. आई वांट टू दिस होल प्रोसेस सिक्स टाइम्स. तो जब छह कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कंबाइन करूंगा छह RBP के साथ, तब जाकर मुझे मिलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तब जाकर मुझे मिलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल. फाइन, जब से कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होते हैं 6 RBP के साथ, तो मुझे मिलते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. बारह में से दो मैं यहां पर यूज करता हूं. फाइन, वन आई यूज एज 3PGAL, वन आई यूज एज डाप. बचे हुए 10 अंडरगो लॉट्स ऑफ रिएक्शन, उसमें अलग अलग प्रोसेस बनते हैं, लेकिन बेसिकली बचे हुए 10, मतलब क्या, बचे हुए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, मतलब 10 × 3 30 कार्बन अंडरगो लॉट ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड फाइनली बिकम 6 RUMP. तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA बिकम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट. ये पांच, ये जो 6 मॉलिक्यूल्स है RUMP के, हर मॉलिक्यूल एक एक फॉस्फेट लेगा ATP से, मतलब 6 ATP यूज होगा और बन जाएगा 6 RUBP. जस्ट मजाक में रिवाइज किया, सुबह हमने बहुत जान खपाई है. फाइन, अब मैं वापस एक बार बोलता हूँ, रिजेनरेशन इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सिंपल बोलूंगा, मेरे पास 10 मॉलिक्यूल बचे हैं 3PGA के, 3PGA इज 3 कार्बन कंपाउंड, 10 मॉलिक्यूल मतलब मेरे पास 30 कार्बन है. ये 30 कार्बन जो है, दे अंडरगो ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस, अलग अलग चीजें बनती है, जैसे एरिथ्रोस है, झाइलोस है, राइबोस है, नॉट इंपॉर्टेंट. आखिर में जाकर बनता है 6 मॉलिक्यूल RUMP. 10 मॉलिक्यूल 3PGA था, वो बना है 6 मॉलिक्यूल RUMP. 30 कार्बन. फाइन, एंड दिस 6 RUMP यूज 6 ATP एंड बिकम 6 RUBP. Okay. Yes, we'll come to that. So, ye basic process hai. Fine, jahan par synthesis is important, rejection is important, synthesis is important hai. Now, understand one simple thing. Fine. अंडरस्टैंड करो, मेरे पास समझो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक RBP है, तो कितने PGA मिलेंगे, 2 PGA मिलेंगे. ठीक है, 2 PGA मिलेंगे. जब मैं एक CO2 यूज करता हूं तो मुझे 2 PGA मिलते हैं. ठीक है, और जब 2 PGA है, ये 2 PGA अगर मैं यूज करता हूँ, 2 PGA अगर मैं यूज करता हूँ, तो मुझे मिलता है बेसिकली एक ग्लूकोज, बिकॉज एक PGAL बनेगा, दूसरा PGAL ढाप बनेगा. फिर ना अंडरस्टैंड दिस, नहीं समझ रहा वापस समझा रहा मैं आपको. फाइन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक RBP, एक अनस्टेबल कंपाउंड, फॉर्म्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. फॉर सेकेंड,
I'm so sorry for that. Okay, so sorry. Okay, आगे बढ़ते. कहाँ था मैं? Okay. ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. एक्चुअली ना वो सिक्स रब नहीं हो रहा है मेरे यहाँ से, तो वो प्रॉब्लम है. सिक्स रब हो जाता मजा आ जाता. फाइन, ये रब होता मजा आता. लेकिन अंडरस्टैंड करो, समझने की कोशिश करो कि समझो यार, जो लेटर मैंने जो आंकड़े लिखे हैं ना, वो है ही नहीं. पकड़ो, है ही नहीं. फाइन, तो CO2 है, RBP है, अनस्टेबल कंपाउंड बनता है. अनस्टेबल कंपाउंड हाइड्रोलिसिस होता है और दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3PGA की. दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3PGA की. Now understand this. Please understand this. अब मैं कुछ लिखने वाला हूं यहाँ पर. दो मॉलिक्यूल से मेरे पास 3PGA की. अब मैं एक्चुअली यहाँ पर दो डाल रहा हूँ. दो मॉलिक्यूल से मेरे पास 3PGA की. एक CO2, एक RBP ने मुझे दो मॉलिक्यूल दिए. दो मॉलिक्यूल्स को यूज करना पड़ेगा मुझे दो ATP. तो मुझे मिलेगा 2,1,3-DiPGA प्लस 2 ADP. 2,1,3-DiPGA combines with two molecules of NADPH2 to form two molecules of 3PGAL, two molecules of NADP and two inorganic phosphate. यहाँ तक किसी को कोई problem? Please tell me. यहाँ तक किसी को कोई problem है? यहाँ तक किसी को कोई problem? Yes. Okay. So again I'm just saying, one CO2 plus one ROBP gives me two molecules of 3PGA. तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने यहां पर. सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 किया. ये दो 3PGAL है, इसमें से एक बन गया डाप. दो 3PGAL में से एक बन गया डाप, एक रह गया PGAL. ठीक है, एक PGAL बन गया, डाप बन गया. ये एक बार हुआ. ठीक है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल CO2 आया, तो ये दूसरी बार हुआ. तीसरा मॉलिक्यूल CO2 आया, तो ये तीसरी बार हुआ. चौथा मॉलिक्यूल CO2 आया, तो चौथी बार हुआ. पांचवा मॉलिक्यूल पांचवी बार, और छह मॉलिक्यूल आया तो छह बार. मतलब क्या होगा, अगर सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता हूं तो 12 3PGA बनेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, 12 12 12 12 12 12 12 और 12. अभी किसी को कोई शक? जब एक CO2 था, एक RBP था, तो दो 3PGA थे. जब 6 CO2 हुआ, 6 RBP हुआ, तो 12 3PGA बने. तो यहां पर सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया मैंने. कोई शक? फाइन, मेरे पास 12 3PGA है, तो मैंने 12 के साथ क्या होगा वो दिखा दिया. नाउ आप देखकर बताइए, चैट विंडो में मुझे आंसर दीजिए. टोटल कैल्विन साइकिल में कितना एटीपी यूज होता है? लेट्स सी आंसर्स कौन कौन दे रहा है. मैं वेट कर रहा हूं. रीता गुप्ता इज राइट. अदिति आचरेकर इज राइट. Only two right answers as of now. Rita Gupta and Aditya Acharekar. अगर आप ध्यान से देखो भाई और बहनों, तो यहां पर 12 ATP यूज हो रहे हैं, 12. Fine, to make glucose. और यहां पर RBP से RBP बनने के लिए 6 और ATP यूज हो रहे हैं. तो टोटल मुझे यूज करने पड़ रहे हैं 18 ATP मॉलिक्यूल्स मुझे यूज करने पड़ेंगे. 18 ATP molecules I have to use. Fine. Question number 2. कितने NADPH2 use करूंगा? Aditi is right. Achrekar is right. Rita Gupta is right. Ritesh Gupta is right. Amar Sonar is right. अब सबका आंसर बराबर है. 12. Only 12. Fine. For those who haven't understood this,
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ, अरे वो चला गया, फाइन। अगर 12 थ्री पीजीए है मेरे पास, 12 थ्री, देखो एक थ्री पीजीए के साथ क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक थ्रीजीपी। सो ये जो रिएक्शन है बेसिकली, फाइन, ये जो रिएक्शन है, ये जो दो रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है वो बताते हैं कि एक थ्री पीजीए के साथ क्या होता है। अगर मेरे पास 12 थ्री पीजीए है तो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 12 एटीपी यूज होंगे और 12 एनएडीपी यूज होंगे, 12 एटीपी 12 एनएडीपी टू, बट आई एम यूजिंग 6 मोर एटीपी ओवर हियर, सो टोटल 18 एटीपी और 12 एनएडीपी टू में यूज कर रहा हूँ। और ये कहां से मिला मुझे एटीपी और एनएडीपी टू, कहां से मिला? फ्रॉम द लाइट रिएक्शंस जो उन्होंने लास्ट लेक्चर में किए थे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोटोफॉस्फोर, वहां से मैंने एनएडीपीएच2 और ये यूज किया, फाइन। कोई शक? यही कोई शक? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ रहे ले, फाइन। सी, आई डू नॉट नो आप में से कितने लोग नीट वाले बच्चे हैं। अगर आप मुझे पूछो कि यहाँ पर एक्चुअली बायो वाले बच्चे कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 10। बायो वाले, साइंस लेकर बायो पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 10, फाइन। श्वेता, मानवी शिरसाट, अदिति आसरेकर, रितेश गुप्ता, कृतिक गुप्ता, क्रांति सुरनर, तानिया, अदिति, रीटा गुप्ता, अंकुश इंगले, ये 10-11 ही बच्चे हैं, फाइन। बाकी बच्चे है कि नहीं है, लेक्चर ऑन करके दूसरा पबजी खेल रहे मोबाइल पे, के लेक्चर ऑन करके बाजू में कुछ नॉवेल पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, फाइन, मुझे नहीं मालूम। तो राइट रहा, बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं, विकास क्या कर रहा है, साहिल यादव क्या कर रहा है, फाइन, सानिका क्या कर रहे हैं, यश कौन है, जय कौन है, आर्यन कौन है, सानिया कौन है, फाइन, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। So, मुझे नहीं मालूम आपने से नीट के बच्चे कितने हैं, नीट कितनी देने वाले हैं, फाइन। आई थिंक उस दिन क्लास में तनय आया था, आप लोग मिले तनय से? यू मेट तनय? फाइन, तनय आया था, फाइन। सी, आई डोंट नो, मतलब ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, स्पेशल पावर्स तो उसके पास भी नहीं है, क्रिप्टन से तो वो भी नहीं आया है, फाइन, उसको किसी बाबा ने आशीर्वाद भी नहीं दिया है, ना कोई जड़ी बूटी दी है, फाइन। आप मुझे पूछोगे क्या मुझे सारे के सारे फाइलम याद है, क्या सारे हड्डियां याद है, क्या मुझे साइकिल बायहार्ट आता है? हाँ आता है, मुझे साइकिल बायहार्ट आता है, क्यों आता है, पढ़ा मैंने। कैसा है, जब मैं प्रोफेसर बना था, मेरा एक तरीका है, मैं कभी टेक्स्टबुक यूज नहीं करता जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मुझे वो शर्मनाक लगता है कि टेक्स्टबुक पकड़ हाथ में पकड़ के सिखाना, मुझे बहुत शर्मनाक लगता है, आपको नहीं याद? तो जब मैं नया नया प्रोफेसर बना था तो मुझे वो बहुत प्रॉब्लम था। आई वॉज फॉर माई फार्मा बैकग्राउंड, मैं फार्मा बैकग्राउंड से था, तो मेरे को झाड़पत्ती समझ में नहीं आता था, झाड़पत्ती, फोटोसिंथेसिस और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया चीज था। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, मैं वैसा, मैं क्या है क्या ये, ट्वेल्थ में बायोलॉजी छोड़ दिया था मैंने, लेफ्ट बायोलॉजी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, तो ट्वेल्थ के बाद कभी झाड़पत्ती पढ़ा ही नहीं था। और जब वो पढ़ाना पड़ा तो मैंने पढ़ा, पहले खुद पढ़ा, मैंने पूरा का पूरा चीज बायहार्ट किया और क्लास में जाके पढ़ाया। सिर्फ मैंने बायहार्ट बहुत अच्छे से किया, बिकॉज मुझे, अगर मैं क्लास में अगर करता तो बच्चे समझते इसको कोई आता कुछ नहीं है, ये नल्ला है, इसको कुछ नहीं आता, फाइन। सो मैंने बहुत सारा पढ़ाई किया, सिंपल एज दैट, फाइन, उसलिए मेरा करियर बन गया, आज थोड़ा सा मान है मेरे को इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेसर, फाइन। अगर आपको अपना करियर बनाने का है एज ए डॉक्टर, करो बाय हार्ट, फाइन। मैं होमवर्क देता नहीं हूँ, मैं जबरदस्ती करूंगा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको पढ़ना ही है, लेकिन मैं सिंपल चीज बोलता हूँ, दोज हु डू नॉट नो दिस रिएक्शंस बाय हार्ट, ईच एंड एवरी रिएक्शन, एरो के ऊपर से लेकर एरो के आजूबाजू में क्या है, अगर ये रात को नींद में भी नहीं आता है, फाइन, आप नीट के न के भी लायक नहीं,
ईट तो बहुत दूर चला गया, नीट के न के भी लायक नहीं। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। हेलो, यस यस, हाँ बोलिए। सॉरी भाई, आज तो मतलब मेरा कॉल सेंटर हो गया है, फोन पे फोन आ रहे हैं ऐसा। अरे देखो कैसा होता है, आज बहुत सुबह बाहर से गई है, मैके गई है, मैं अकेला हूँ, एंजॉय करूँगा तो सुबह से 10 घंटा तो लेक्चर ले जाऊँगा, अगला गाँव लेक्चर ले लें, फाइन एंजॉय। CO2 H2O वो सब दिख रहा है बस। नींद में आना चाहिए आपको, खर्राटे भरते भरते, फाइन, तब कहीं पर जाकर आप यू कैन अटेम्प्ट नीट, फाइन। ऐसा मजाक मजाक में नहीं होता, मैं भी नीट दूंगा ऐसा बोलने से नीट नहीं दे सकते। मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए पैसा, पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, तो मैं पढ़ाता हूँ, डाउट सॉल्व कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, तो आपकी मर्जी क्या करना है। आगे बढ़ते, द प्रॉब्लम इज दिस गाय, I'll show that. ये गाय इज अ प्रॉब्लम, ये लड़का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था सुबह, RUBP कार्बोक्सिलेस। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है RUBP कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, जो CO है ना, दैट इज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब क्या, ये जो RUBP है दैट कैन हेल्प इन डूइंग कार्बोक्सिलेशन, मतलब एडिशन ऑफ CO2 टू RUBP, और इट कैन ऑल्सो डू ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP, मतलब एडिंग O2 टू। सो डिपेंडिंग ऑन हवा में ज्यादा क्या है, और रादर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ये आइदर CO2 एड करेगा या O2 एड करेगा। So, ये आइदर कार्बोक्सिलेस कह सकते हैं उसको, अगर वो CO2 ऐड कर रहा है, इसलिए मैं सुबह कार्बोक्सिलेस बोला बिकॉज सुबह CO2 ऐड कर रहा था, लेकिन कभी कभी इट एक्ट्स लाइक ऑक्सीजनेस एज वेल, तो कभी कभी वो ऑक्सीजनेस जैसा भी काम करेगा। लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है भाई और बहनों, अभी शो ये लफड़ा क्या है। अच्छा बाय द वे, कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। वाई C3 साइकिल? सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना? 3PGA। 3PGA, 3PGA में कार्बन कितने हैं? 3, फाइन। सो 3PGA में 3 कार्बन है, इसलिए उसको C3 साइकिल कहते हैं, C3 साइकिल, फाइन। बाद में हम लोग C4 भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए पहले से बता के रख रहा हूँ। C3 क्यों? बिकॉज उसमें सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है 3PGA, फाइन। सॉरी,
Let me show you one chart. अब एक नया चार्ट बनाता हूँ भाई और बहनों, आपके लिए खास पेश है नया चार्ट। हाँ 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 भैया बहनों, आपके लिए पेश है नया चार्ट। ओके, लेट मी मेक इट, बस बाद में करेंगे। तो मेरे पास है आरयूबीपी, मेरे पास है आरयूबीपी। नाउ एज़ आई सेड, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा में CO2 नॉर्मली बहुत कम रहता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है और हवा में CO2 कम है तो आरयूबीपी अंडरगोस ऑक्सीजनेशन एंड नॉट कार्बोक्सीलेशन। O2 के साथ ऐड होगा, वो O2 के साथ ना। आरयूबीपी में कार्बन कितने आरयूबीपी में है? 5। आरयूबीपी हैज बेसिकली एज यू नो 5 कार्बन। फाइन, अंडरगोस ऑक्सीजनेशन, इट डज नॉट combine with CO2, it combines with O2, and what we get basically is we get PGA, 3 carbon ka phosphoglyceraldehyde, sorry phosphoglyceric acid, phosphoglycerate keh sakte usko, aur hum logo saath mein 2 carbon ka compound milta hai, naam hai phosphoglycolate. Are yaar abhi kyu aate hai, phosphoglycolate छोटा लिख देता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन। नॉर्मली अगर आरयूबीपी कंबाइन करता CO2 के साथ तो मुझे क्या मिलता? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजी मिलता। लेकिन अभी क्या लफड़ा हुआ है कि उसने कंबाइन किया है O2 के साथ, तो मुझे मिल रहा है 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का और दूसरा मॉलिक्यूल 2 कार्बन का। फाइन, तो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के नहीं मिल रहे, 1 3 कार्बन का और 1 2 कार्बन का मिल रहा है। फाइन, व्हाई? बिकॉज़ माउस हिट होंगे हिट होंगे आज कुछ उठे ना तो माइन लगे बाबा पूजा पर। ओके, सो यहां पर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा और यहां पर मैं दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 नहीं आ रहा है। फाइन, नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉस्फेट निकल जाएगा और वो बन जाएगा ग्लाइकोलेट, वो बन जाएगा ग्लाइकोलेट, उसका फॉस्फेट निकल जाएगा और बन जाएगा ग्लाइकोलेट जो है अगेन 2 कार्बन कंपाउंड। फाइन, तो क्या हुआ यहां पर, ये यहां पर बना ग्लाइकोलेट और इसमें से एक फॉस्फेट उड़ गया। उड़ जा बेटा, उड़ जा। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया और बचा सिर्फ ग्लाइकोलेट। ठीक है, अब ये कहां पर हुआ भाई और बहनों? ये हो रही है इन, और बड़ा कर देता हूं। ओके, ये हो रहा है आपके क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो ग्लाइकोलेट फॉर्म हो गया। अब ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलेगा, सेल में एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है पेरोक्सीसोम, इसके अंदर घुसेगा। तो ये ग्लाइकोलेट घुसेगा पेरोक्सीसोम में। जा भाई पेरोक्सीसोम में जा। सो ये ग्लाइकोलेट घुसेगा पेरोक्सीसोम में। अच्छा बेटा, तो इसको छोटा कर देते हैं। ये ग्लाइकोलेट आया पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम इज एन ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल।
एंड ये टू कार्बन का कंपाउंड है, टू कार्बन का कंपाउंड है फाइन। ये पेरोक्सिजोम में आया और पेरोक्सिजोम में इट्स गोइंग टू बेसिकली कंबाइन, इट्स बेसिकली गोइंग टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज होगा और बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ऑक्सीडाइज होकर बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट। और थोड़ा सा उसके साथ मिलेगा हम लोग को हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ग्लाइकोलेट बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, एंड ग्लाइऑक्सिलेट बेसिकली इज देन गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इन टू समथिंग कॉल्ड एज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ये भी टू कार्बन का कंपाउंड है। सो वापस एक बार बोल रहा हूं, मेरे पास आरयूबीपी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो CO2 है नहीं हवा में, O2 कंबाइन होता है, इंस्टेड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, थ्री कार्बन के दो मॉलिक्यूल के बदले मुझे पांच कार्बन ही है, तो एक थ्री पी एक पीजीए बनेगा और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉस्फो निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ ग्लाइकोलेट। ये हुआ क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट रिलीज होगा साइटोप्लाज्म में, वहां से हो जाएगा पेरोक्सिजोम नाम के ऑर्गेनल में, पेरोक्सिजोम में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइसिन। अब ये कहां पर हो रहा है, मैंने बोला ये होता है पेरोक्सिजोम में, उसको भी डाल लेता हूं, पहले थोड़े से एरो मार देते हैं। सो ग्लाइकोलेट पहुंचा गए यहां पर, ये ग्लाइऑक्सिलेट, ये ग्लाइसिन, और दिस हैपेंड बेसिकली इनसाइड, दिस इज हैपनिंग इन द पेरोक्सिजोम, दिस इज हैपनिंग इनसाइड द पेरोक्सिजोम फाइन। पेरोक्सिजोम से ग्लाइसिन निकलेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा एंड देन इट विल एंटर समथिंग कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे माइटोकॉन्ड्रिया बोलना पसंद है फाइन, तो वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा बेटा तो ग्लाइसिन आया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ये है टू कार्बन कंपाउंड। ये एक बार हुआ, वापस ये सेम चीज वापस एक बार हुआ तो और एक ग्लाइसिन आया, और एक ग्लाइसिन आया, जब सेकंड टाइम सेम चीज हुआ तो और एक ग्लाइसिन आया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये भी टू कार्बन कंपाउंड, दोनों दो कार्बन कंपाउंड है। सो टू एंड टू फोर बनना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जो दो ग्लाइसिन मिलते हैं तो कंबाइन होकर बनता है सेरीन, कंबाइन होकर बनता है सेरीन, and serine is a three carbon compound and not four, serine banta hai, ek CO2 kahan pe jata hai, ek CO2 ud jata hai, one CO2 passes out as, main dikha deta hu yahan par, ye hua mitochondria ke andar, ye hua mitochondria ke andar, glycine and glycine basically became serine and one CO2 basically was lost out, one carbon was lost out to the atmosphere in the form of carbon dioxide, ek carbon is lost out in the form of carbon dioxide, right? ab ye serine niklega aur jayega in the, agar in the peroxisome mein jayega to serine pahuncha peroxisome mein, सेरीन पहुंचा पेरोक्सिजोम में, ये थ्री कार्बन का कंपाउंड है, पेरोक्सिजोम में पहुंचा एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू समथिंग कॉल्ड एज ग्लिसरेट, गेट्स कन्वर्टेड टू समथिंग कॉल्ड एज ग्लिसरेट,
glycerate then enters your chloroplast. Serine yahan se serine peroxisome mitochondria se peroxisomes mein serine hydro glycerate glycerate jayega into chloroplast. Chloroplast mein glycerate will get converted into phospho ek phosphate chipak jayega is pe aur ye ban jayega phosphoglyceric acid. And this phosphoglyceric acid will enter the Calvin cycle. ओके एक चीज और बच गई है तो भी खत्म कर देता हूं. वापस एक बार पूरा समझेंगे, लाइन से जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. अगर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होता, प्लीज अंडरस्टैंड, विदाउट फोटो, विदाउट कैल्विन साइकिल, विदाउट कैल्विन साइकिल कोई भी प्लांट ग्लूकोज नहीं बना सकता, खाना नहीं बना सकता. तो कैल्विन साइकिल इज कंपल्सरी. कैल्विन साइकिल प्लांट को करना ही पड़ता है, उसके बिना प्लांट कुछ नहीं कर सकता. फाइन, लफड़ा क्या है? कैल्विन साइकिल के लिए मुझे चाहिए बहुत सारे पीजीए. कितने पीजीए? 12 पीजीए चाहिए टू मेक वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे 12 पीजीए चाहिए. और कैल्विन साइकिल में वापस रिजनरेशन होता है और आरबीपी वापस दिया जाता है. अब लफड़ा क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है. फाइन, इस ऐसे कंडीशन में CO2 बहुत कम रहता है हवा के अंदर. अगर CO2 हवा के अंदर कम रहेगा तो आरबीपी instead of combining with CO2 combines with O2, and instead of getting two molecules of 3 carbon I get 1 3 carbon molecule and 1 2 carbon molecule. Ek PGA milta hai, ek phosphoglycolate milta hai. This PGA will go to Calvin cycle. Phosphoglycolate hai, uska phosphate nikal jayega aur ye ban jayega glycolate. Glycolate chloroplast se nikal ke jayega peroxisomes mein. छोटा सा ऑर्गेनल रहता है सेल के अंदर, छोटा सा ऑर्गेनल रहता है. ऑक्सीजन बन जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट, सेल्फ टू ग्लाइसिन. ग्लाइसिन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, एक गया. और एक बार सेम चीज होगा तो दूसरा ग्लाइसिन भी आएगा. जब दो ग्लाइसिन मिलेंगे तो 2 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन होना चाहिए, लेकिन बन जाता है सीरीन. सीरीन इज 3 कार्बन कंपाउंड. एक कार्बन गोज आउट इन द एटमोस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड. ये सीरीन will then enter the peroxisomes, then it will convert into glycerate. Glycerate then will enter chloroplast where it becomes PGA and undergoes Calvin cycle again. अगर Calvin cycle हो रहा है, उसको PGA मिल रहे हैं, तो लफड़ा क्या है? लफड़ा यहां पर है. पहले ही हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम है,
पहले ही हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऊपर से एक कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट आउट टू द एटमॉस्फेयर। अगर ऐसे कार्बन एटमॉस्फेयर में लॉस्ट होते रहेंगे तो क्या होगा, अगर CO2 कम यूज होते जाएंगे तो जितना ग्लूकोज प्लांट में बनना चाहिए उतना प्लांट में ग्लूकोज नहीं बनेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, या द एफिकेसी जितना एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस होता होना चाहिए उतना एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा यहाँ पर, बिकॉज CO2 का लॉस है, CO2 का लॉस है। फाइन, तो दिस आप लोग अभी O2 अंदर ले रहे हो और CO2 बाहर छोड़ रहे हो, बराबर, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। एब्सोल्युटली रेस्पिरेशन। यहां पर प्लांट्स O2 अंदर ले रहे हैं विद RVP और CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, यहां पर फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है लेकिन O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है। फाइन, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। प्लांट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो प्लांट मतलब कैसा कि भूखा इंसान है, उसको पहले ही खाना नहीं मिल रहा है, उसको आप दो चपाती दे रहे हो उसमें से आधी चपाती कुत्ता भाग के लेके जा रहा है, तो पागल हो जाएगा ना यार इंसान। यहाँ पर प्लांट का वही लफड़ा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कैसे पैसे CO2 को खींच को खाना बना रहा है, उसमें से भी कार्बन CO2 उड़ा रहा है, उसमें से भी CO2 उड़ रहा है, तो प्लांट तो मतलब बोले यार फालतू क्या चल रहा है तुम लोग, यार गलत कर रहे हो। बट ये होता है, ये प्लांट को करना पड़ता है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो। कैन प्लांट अवॉइड दैट? यस इट कैन। प्लांट वी हैव वेज टू अवॉइड दिस। ये प्लांट में होगा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो, ये प्लांट में जरूर होगा, लेकिन फिर प्लांट्स भी चालू चीज है, वो कुछ ना कुछ कांड करके इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे, वो बात की चीज है। अभी के लिए क्या पढ़ना है, फोटो रेस्पिरेशन। कहाँ गया फोटो रेस्पिरेशन भाई? एक्चुअली मैं दिखाऊंगा, फेसबुक में सेम रहेगा, मेरा ही चार्ट रहेगा। So, please read, not only photorespiration, I want you to read, actually Calvin cycle आपने पढ़ा ही नहीं, बराबर, Calvin cycle आपने पढ़ा ही नहीं, आपने सिर्फ बोला है, तो please start from 12.6 dark reaction से लेकर, 12.6 dark reaction 143 से लेकर, all the way till 12.8 नहीं पढ़ना है, 12.8 नहीं पढ़ना है, 12.8 नहीं पढ़ना है। On chat window, please do not ask me a doubt if you are not there present in the comments.
अरे कोई डाउट ही नहीं आ रहा सही है भाई क्या सॉलिड प्रोफेसर हूँ मैं बच्चों एक डाउट नहीं आता नोबल मिलेगा मेरे को टीचिंग का हिमल पेड़वेकर पेड़वे अरे दिस इज वेरी क्लोज टू माय विलेज स्टोमा का मतलब स्टोमाटा लीफ में ओपन ही रहता है स्टोमाटा इसमें से CO2 O2 वाटर बिटर सब बाहर निकलते अंदर आते ओपनिंग ऑफ इन द लीफ आर कॉल्ड स्टोमाटा ट्रांसमाइनेशन बेसिकली इज द ये ना वो केमिकल रिएक्शन है बेसिकली जहां पर अमाइनो ग्रुप ऐड होगा एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड और रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड बेसिकली इज ट्रांसमाइनेशन So, जब ग्लाइसिन बनेगा तो नोट ग्लाइसिन के इधर ही रहेगा ना ट्रांसमाइनेशन अमोनिया रिलीज होता है आदित्य आचरेकर लेकिन उससे हम लोग का लेना देना कुछ नहीं है ना इसे अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि CO2 का लॉस नहीं होना चाहिए अमोनिया गया भाड़ में फाइन CO2 का लॉस नहीं होना चाहिए सो बट इज डू नॉट रियली केयर कि अमोनिया जा रहा है हाउ डू वी केयर अबाउट इट अमोनिया जाते उससे फोटोसिंथेसिस नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड टाइम नहीं फिर था ना तो मैं आगे बढ़ू अब डोंट डोंट टेल मी यू डन टेल मी यू टेल मी टू वेट इफ यू डू नॉट वांट टू बी गुड सर क्या हो रहा है should I go ahead? Tell me, I'm counting 10. Tell me if you have to wait for some time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओके वेट बोल रहा है वेट बोला ओके आई एम गोइंग टू वेट फॉर वन मोर मिनट दो तीन लोगों ने वेट बोल दिया एक दो मिनट वेट करूंगा उससे ज्यादा नहीं कर सकता बिकॉज़ आई हैव टू टीच यू समथिंग देन
ओके, श्वेता ने पूछा है मुझे पीसीओ क्या होता है। श्वेता, पीसीओ जब फोटो रेस्पिरेशन होता है तो बेसिकली उसको हम लोग प्यार से फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। और जो नॉर्मल कैल्विन साइकिल है उसको हम लोग पीसीआर साइकिल कहते हैं। पीसीआर, पीसीआर का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। तो पीसीआर का होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन और पीसीओ होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। दैट्स द ओनली डिफरेंस। नॉर्मल कैल्विन साइकिल इज पीसीआर एंड फोटो रेस्पिरेशन इज पीसीओ। आई वॉन्ट टू शो यू टू डायग्राम्स, एक बार वो दिखा देता हूँ, बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, सी लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, मैंने क्या बोला कि फोटो रेस्पिरेशन इज बेसिकली समथिंग जो प्लांट के साथ होगा, प्लांट करेगा नहीं, ये प्लांट के साथ होगा। क्यों होगा? बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हवा में CO2 कम है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हवा में CO2 बहुत कम है, तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। फाइन, बट प्लांट विल लाइक टू अवॉइड दैट। रिमेंबर, प्लांट कुछ ना कुछ कांड करके, कुछ ना कुछ करके कोशिश करेगा कि ये ना हो, ये CO2 का लॉस ना की हो। फाइन, CO2 को कंजर्व किया जाए। उसके लिए प्लांट क्या करता है, खुद का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है, उसका लीफ का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। नॉर्मल लीफ अगर आप देखो, मतलब अगर ये लीफ, ये पत्ता है, ये ऊपर का पत्ता, ये नीचे का मतलब पत्ता, ये ऊपर की साइड, नीचे की साइड। अब साइड से, साइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा ये, आपको दिखेगा ये। फाइन, आई थिंक मैंने ये पहले भी दिखाया हुआ है आपको, पर फिर भी अंडरस्टैंड करो। सबसे ऊपर एक पतली सी लेयर रहेगी, क्यूटिकल कहते हैं। अपर और नीचे क्यूटिकल रहता है। दिस लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, नीचे अपर लोअर एपिडर्मिस। ये जो बीच में दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं वास्कुलर बंडल। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर है। ऊपर के जो सेल्स है, जो बहुत टाइटली पैक्ड है, एकदम कड़े, एकदम नजदीक है, उनको हम लोग प्यार से कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, इसको पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं, ये देखो पैलिसेड मेसोफिल। और यहाँ पर जहां पर काफी सारी जगह है हवा के लिए, बिकॉज यहाँ पर स्टोमाटा रहेगा, स्टोमा या स्टोमाटा है, इसमें से हवा अंदर जाएगी, यहाँ पर काफी खाली खाली जगह है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी, मेसोफिल। ऑल दिस सेल्स आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स, ऊपर पैलिसेड, नीचे स्पॉन्जी। नॉर्मल लीफ ऐसा रहता है, अभी जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे शुगर केन का कोल्हापुर बिल्लापुर जैसे एरिया 43-44 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा गर्मी, इतना गर्मी के वहां पर C4 फोटोस्पेशन जरूर होगा। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, ऐसा कुछ हो जाता है। मेसोफिल सेल्स जो है उसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी वाला डिफरेंसिएशन नहीं है, सारे के सारे सेल्स आर एट इक्विडिस्टेंस। पहले कैसा था, ऊपर सारे एकदम नजदीक पैलिसेड और नीचे आराम से दूर स्पॉन्जी। यहां पर ऐसा लफड़ा नहीं है, यहां पर सभी लोग आराम से है, ये मेसोफिल सेल्स है,
और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बाजू में कुछ खास सेल्स है. फाइन, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Just give me one second. I'll show you the exact difference. आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जरा अच्छा डायग्राम है, मैं ये दिखा देता हूँ. ओके, लुक एट दिस. ये देखो, ये पैलिसेड में सोफिल, सब नजदीक नजदीक स्पॉन्जी मेसोफिल, काफी सारी जगह है यहाँ पर. यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाकी सब तो सेल्स नॉर्मल है, काफी काफी जगह है. और यहाँ पर वास्कुलर बंडल जो है, जाइलम फ्लोएम है, उसके आजू बाजू में एक पूरा का पूरा लेयर आ गया है, गोल लेयर आ गया, सब पूरा घेर लिया उसको. दिस स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल्स, दिस स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स. एक्चुअली आई शुड नॉट गो अहेड, मैं अगर आगे जाऊंगा तो आपको फिर मुझे सीक्वर भी समझाना पड़ेगा. बट एनीवे, नेक्स्ट टाइम आई कम बैक टू दिस अगेन. फाइन, आई कैन नॉट गो अहेड टुडे बिकॉज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है. फाइन, मैं जल्दी छोड़ने वाला था तो मैं अभी 15 मिनट जल्दी छोड़ूंगा आपको. फाइन, बट नेक्स्ट टाइम मुझे क्या दिलाना कि मुझे आपको क्रांस एनाटॉमी सिखानी है. जो नया एनाटॉमी है ना, वो जो घेर लिया ना वो वास्कुलर बंडल को, उसको क्रांस एनाटॉमी कहते हैं. क्रांस, क्रांस, के आर ए एन जेड. तो नेक्स्ट टाइम मैंने आस्क यू क्या करना है, टेल मी क्रांस. एंड क्रांस से चालू करना है. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म होने के चांसेस है. फाइन, फिर एक्सप्रेशन बाकी है तो आगे बढ़ेंगे. चलो, बाय बाय, सी यू, टाटा.